लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। कश्मीर में आतंकियों पर अब बड़ा फैसला, जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाओगे। देखिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज आपको कश्मीर में आतंकियों पर लिए गए एक ऐसे फैसले के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आप सभी लोग खुश हो जाओगे और कहोगे कि अब असल में आतंकवाद पर नकेल कस चुकी है। तो दोस्तों, बिना देर किए बताते हैं आपको कश्मीर में लिए गए इस फैसले के बारे में। कश्मीर में अब राज्यपाल शासन चल रहा है और इसी के तहत हम सभी को कश्मीर में नई नई रणनीतियां देखने को मिल रही है। ऐसी ही एक रणनीति कश्मीर में सेना और राज्यपाल द्वारा बनाई गई, जिसमें आतंकवादियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। दरअसल यह फैसला है कि अब जो भी आतंकवादी मारा जाया करेगा, उसका शव उसके परिवार वालों को नहीं सौंपा जाया करेगा और न ही उसके परिवार वालों को कुछ बताया जाया करेगा। वह आतंकी जहां मारा जाएगा, उसे वहीं गोपनीय जगह पर दफन कर दिया जाएगा। इसी के तहत उनके परिवार वालों से भी अब कोई संपर्क नहीं किया जाएगा, क्योंकि सेना ने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी आतंकियों को मरने के बाद उनके घर वाले तक नसीब नहीं होंगे। यह फैसला सेना और गवर्नर सरकार द्वारा लिया गया, जिसमें मोदी सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। और यह बता दे, कश्मीर में बेशक राज्यपाल शासन लग रहा हो, लेकिन अनौपचारिक तौर पर उसे केंद्र सरकार ही चला रही है। तो दोस्तों, अब कश्मीर में आतंकवाद की शामत आ चुकी है और राज्यपाल शासन में सेना को भी पूरी तरीके से छूट दी गई है कि वह अपने तरीके से आतंकवादियों से निपटे, और सेना इसी पर अब काम कर रही है। और इसी के तहत यह भी एक नई रणनीति है कि आतंकियों का उनके परिवार वालों को उनका शव न दिया जाए और आतंकवादियों को वहीं दफन कर दिया जाए।